हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड आप सबके प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है कमेंट्स में एंड जो भी मुझे देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मेरी ब्लॉग्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर लविंग मी सो मच, इतना सारा प्यार देने के लिए। सो जैसे कि कल मैंने बोला था ब्लॉग में कि आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। चलिए, मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, आज पहली बार करने वाली हूँ। तो होता है कि नहीं पता नहीं, पहली बार करूँगी, सो लेट्स सी होता है कि नहीं। जैसे कल मैंने बोला था ब्लॉग में कि मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी, ये मेडिटेशन बाउल लेके, और एक मेडिटेशन बाउल है मेरे पास, ये जो छोटा वाला है इसमें पानी नहीं है, फिर भी मैं दिखाती हूँ आप। कल का ब्लॉग में मैंने जैसे बजा के दिखाया था आप लोगों को, तो ये रहा बड़ा वाला बाउल जिसे मैं अभी दिखाऊंगी। इसमें पानी भी नहीं है, ये भी बजा के दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है कि नहीं, लेट्स सी। सो अभी मैं इसमें पानी डालूंगी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। बाहर में आई थी एंड देखिए बाहर का नज़ारा इतना अच्छा है, व्यू। इतना अच्छा व्यू है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा वाला व्यू। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा ऐसा वाला व्यू। यहाँ पे मेरी चाची मैंगो को खाना खिला रही है। मैंगो रही हमारी मैंगो। मैंगो हाय, से हाय, बोलो हाय। मी मैंगो के साथ खेल रही थी, अभी गुस्सा हो गई। मैंगो 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 मम्मी के साथ खेल रही है हमारी सुंदरी मुंदरी। मैंगो भय खा ले, भय खा ले। मैंगो ये रही हमारी लेजी मैंगो। सो अभी मैं डिनर के लिए आलू पकौड़ा बनाने जा रही हूँ। अभी मैं आलू पकौड़ा को फ्राई कर रही हूँ एंड इसमें सिंपल सी इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। आलू का पकौड़ा बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ये आप घर की सामान से भी बना सकते हैं, जो घर घर में रहते हैं हर एनी टाइम, तो आप बना सकते हो एनी टाइम। आप कोई मेहमान आने से या स्नैक्स वगैरह ऐसे करके खा सकते हो, इट्स वेरी सिंपल टू मेक। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए फिर से मैं बना के दिखा दूँगी आप लोगों को।
ऑलमोस्ट मेरे आलू के पकौड़े बन के तैयार हो चुकी हैं, तो ये आप घर में ट्राई कीजिए, ये बहुत ही इजी एंड टेस्टी भी होता है खाने में। आप देख सकते हैं इसकी कलर बहुत ही अच्छी है। ये रही मेरी आलू के पकौड़े एंड बनके हो चुका है तैयार एंड अभी हम लोग डिनर करेंगे। ये पकौड़ा जैसे आप देख रहे हैं कलर बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये पकौड़ा, आलू के पकौड़ा। इट्स वेरी यम्मी एंड टेस्टी, मेरे घर पे सभी को पसंद है ये पकौड़ा। आई होप आप लोग भी ऐसे बनाते होंगे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे को यू कैन आस्क मी फॉर द रेसिपी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।